हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो डाल के थक चुके हैं और आपकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई है, आपका यूट्यूब पर शॉर्ट्स का चैनल है और आपने काफ़ी सारी शॉर्ट्स वीडियोस पर डाल दिए हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि मेरी कोई भी शॉर्ट वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही है, मैं तो ओरिजिनल कॉन्टेंट है, मैं अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट डाल रहा हूँ और डेली अपनी वीडियो कंसिस्टेंट होकर डाल रहा हूँ, फिर भी मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो डालने का, शॉर्ट वीडियो डालने का बेस्ट टाइम क्या है, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। आप बस ऐसे ही किसी भी टाइम पर वीडियो अपलोड कर देते हैं जिससे आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है जिससे आपकी वीडियो तुरंत ही वायरल भी होगी और आपको भर भर के व्यूज़ उस पर आएंगे आपकी वीडियो के ऊपर, और आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होंगे और आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि मैं इसमें आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग करके सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ट जो टाइम है आपका YouTube शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने का, उसके लिए मैंने कुछ कैटेगरीज के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो कैटेगरी है वो किड्स की कैटेगरी है। अगर आपका किड्स से रिलेटेड कंटेंट है, कार्टून वीडियोस आप बनाते हैं, कार्टून वीडियोस, एनिमेटेड वीडियो, जो आपको जो ऑडियंस है उसकी, वो 12 साल तक के बच्चे उन्हें देखना पसंद करते हैं, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा भी कार्टून वीडियोस देखता है, तो जो कार्टून की शॉर्ट वीडियो है वो आपके 12 साल तक के बच्चे देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट टाइम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है एनी टाइम। मतलब आप किसी भी टाइम अपनी शॉर्ट वीडियो को, किड्स वाला जो आपका कंटेंट है, उस चैनल पे आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा कभी भी ये जो कार्टून वीडियो है वो देखना चाहता है, वो कभी भी अपना जो फोन है उसके अंदर अगर उसके पेरेंट्स लगा के दे देते हैं तो वो देखने लग जाता है। तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे आपकी वीडियो वायरल होगी। तो अगर आप किसी भी टाइम अपलोड करेंगे तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर मान लीजिए आप एक दिन में 2 वीडियो डालते हैं, एक सुबह डालते हैं, एक शाम को डालते हैं, तो आपको डेली उसी टाइम पे और कंटिन्यू रहना है। मतलब 2 वीडियो आपको डेली अपलोड करनी है, सुबह शाम, जैसे आप डेली करते हैं, एक दिन करते हैं, मतलब आपको मिस नहीं करना, किसी भी दिन को कंसिस्टेंट रहना है। तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो वीडियो है, कोई ना कोई आपकी शॉर्ट वीडियो 100% वायरल होगी। तो ये पहली कैटेगरी है, अगर आपका किड्स से रिलेटेड चैनल है, किड्स से रिलेटेड शॉर्ट्स का कोई चैनल आपने बना रखा है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जो आती है कुकिंग। अगर आप कुकिंग से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं तो इसमें आपकी जो ऑडियंस है वो मोस्टली या तो मैरिड वुमेन्स होती हैं या फिर वो लड़कियां होती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, तो मोस्टली ये गर्ल्स देखना ही पसंद करती हैं कुकिंग का चैनल, ठीक है। तो उनका जो बेस्ट टाइम मैं यहाँ पे सजेस्ट किया है वो है 1 बजे से 3 बजे, जो दोपहर का टाइम होता है, क्योंकि जो मैरिड वुमेन्स होती हैं मोस्टली वो सुबह तो काम में लगी होती हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिलता सुबह, तो वो फ्री जो होती हैं वो 1-1.5 बजे के बाद फ्री होती हैं। तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। इस टाइम अगर आप अपनी शॉर्ट्स को अपलोड करेंगे तो वो जरूर आपकी शॉर्ट्स को देखेंगे और आपकी शॉर्ट्स जरूर वायरल भी होंगी, ऑडियंस काफी ज्यादा इसमें व्यूज भी आपको भर भर के मिलेंगे और आपका कंटेंट जल्दी वायरल होगा। बस आपको इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली, जो अगर आप एक शॉर्ट भी अपलोड कर रहे हैं डेली, तो आपको कंटिन्यू डेली एक शॉर्ट अपलोड करनी ही है, किसी भी हालत में आपको कंटिन्यूस रहना है। अगर आप मिस करेंगे कोई डे तो फिर आप की शॉर्ट वायरल नहीं होगी, आपको कंटिन्यू रहना है और आप रिजल्ट खुद देखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, गेमिंग कैटेगरी। तो अगर आपकी गेमिंग शॉर्ट्स आप बनाते हैं, गेमिंग आज काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली 5 साल से 20 साल के जो बच्चे हैं वो गेमिंग खेलना पसंद करते हैं, गेमिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं, गेमिंग शॉर्ट्स जो होती हैं उन्हें अच्छी लगती हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट टाइम है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 4 से 6 बजे का, जो शाम का टाइम होता है, क्योंकि सुबह के टाइम तो वो स्कूल जाते हैं, तो वो जब आते हैं 1-1.5 बजे
तो उसके बाद खाना वाना खा के सो जाते हैं, फिर 3-4 बजे वो उठते हैं, तो वो जरूर आपकी गेमिंग वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। और इसमें भी काफी अच्छा स्कोप है, व्यूज भर भर के आते हैं। इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट होके आपको अपनी वीडियोस डालनी है। चाहे आप एक दिन में 4 वीडियो डालें, तो आपको डेली 4 वीडियो ही डालनी है, और जिस टाइम पे आप डालें उसी टाइम पे आपको वीडियो डालनी है डेली। ठीक है, आपको हर एक चीज को में कंसिस्टेंट रहना है, तभी आपका चैनल जल्दी से ग्रो होगा, आपकी शॉर्ट्स वायरल होंगी, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी के बारे में। जो फोर्थ कैटेगरी मैंने यहाँ पे ले रखी है वो है रिएक्शन शॉर्ट्स। आपने यूट्यूब पर काफी सारी रिएक्शन वीडियोस देखी होंगी कि कोई वीडियो होती है उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। ठीक है, काफी सारे चैनल आपने इस पे देखे होंगे, शॉर्ट्स के भी काफी सारे चैनल इस पे बने हुए हैं, जिसमें रिएक्शन शॉर्ट्स आपकी काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहती है, चैनल भी जल्दी ग्रो होता है। तो इसमें किस तरह की ऑडियंस होती है, कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, चाहे वो यूट्यूबर हो या ना हो, कोई भी आपकी इस शॉर्ट्स को देखना पसंद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए बेस्ट टाइम जो है वो 6 बजे के बाद का होता है, क्योंकि मोस्टली लोग अपने ऑफिस से, स्कूल से 2-4, 6 बजे तक, 5 बजे तक आ जाते हैं। तो 6 बजे के बाद अगर आप डालेंगे, 7 बजे, 8 बजे, 6 से लेके 8 बजे तक का टाइम आपके लिए रिएक्शन शॉर्ट्स के लिए सही है, बेस्ट टाइम है। क्योंकि थकाहारा जब जॉब से कोई भी पर्सन घर आता है, तो थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए शॉर्ट्स को देखना पसंद करता है। आजकल शॉर्ट्स का काफी ज्यादा ट्रेंड है। ठीक है, और इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है डेली। अगर आप जितनी भी शॉर्ट डाल रहे हैं उसी के हिसाब से आपको डेली उतनी ही शॉर्ट डालनी है और उसी टाइम पे डालनी है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपकी वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो वो जल्दी से जल्दी वायरल भी होगी। अब फिफ्थ कैटेगरी जो मैंने इसमें अब बताई है, उसका नाम है टेक चैनल से रिलेटेड। अगर आप कोई शॉर्ट चैनल है आपका, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें टेक्स टिप्स, जो आपकी रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स हैं कि बैनर कैसे बनाएं, मतलब आपका जो भी टेक्निकल रिलेटेड है, टेक्निकल का कोई चैनल आपने चाहे शॉर्ट का बना रखा है, उसको अगर आपकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं, तो उसकी जो ऑडियंस है वो मोस्टली आल यूट्यूबर्स ही होते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स ही देखना पसंद करेंगे कि यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर व्यूज कैसे लिए जाते हैं, कैसे उसका एल्गोरिदम काम करता है। इस तरह की वीडियो यूट्यूबर्स ही देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो एनी टाइम है, क्योंकि यूट्यूबर्स दिन भर आपके यूट्यूब पे रहता है, अपनी वीडियो भी बनाता है वो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, और आपके जो ये टेक्स रिलेटेड जो जितने भी शॉर्ट्स हैं उन्हें वो देख भी सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप किसी भी टाइम अपलोड कर सकते हैं, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जितनी भी आपको वीडियोस डालनी है डेली, उतनी वीडियो आपको अपलोड करनी है, चाहे आप 2 वीडियो डालें या 3 वीडियो डालें, डेली सेम टाइम पे आपको अपलोड करनी है, आपको कंटिन्यू रहना है, और आपको कोई ना कोई वीडियो आपकी जरूर वायरल होगी। उसके बाद 6 नंबर पे मैंने लिया हुआ है मिनी व्लॉग को। मिनी व्लॉग वाले शॉर्ट्स काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, मिनी व्लॉग देखना लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं जिनको ट्रेवल करना पसंद है, मोस्टली वही पीपल इसे देखते हैं। तो बेस्ट टाइम इसका आफ्टर 6 PM ही है। ठीक है, 6 बजे के बाद अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। कंटिन्यू आपको काम करना है, इसमें भी आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे आप 2 दिन में शॉर्ट डालें, ठीक है, मिनी व्लॉग चाहे आप 1 हफ्ते में 1 डालें, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, सेम टाइम पे अपलोड करना है आफ्टर 6 PM। ठीक है, और आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। तो मैंने ये 6 कैटेगरी आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आप एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आप किसी भी टाइम अपलोड कर सकते हैं, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट हो और आप कंसिस्टेंट रहें, आपको ये सब ध्यान रखना है, और आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी, आप खुद अच्छे रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप सीख गए होंगे कि अलग अलग कैटेगरीज में अगर आपके चैनल बने हुए हैं शॉर्ट्स के, तो उन पर अपनी वीडियो को अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, आपको किस टाइम पर अपनी शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करना है। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।